उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की बहुचर्चित विकास खंड मियागंज की ग्राम पंचायत मलहोली सरदार नगर का है। ग्राम पंचायत के करीब 21 आवास के लाभार्थियों को पहले पात्र दिखाकर उनके नाम मुख्यमंत्री आवास सूची दर्ज कराई गई। आवास के लाभार्थियों को अपना साकार सपना होते देखने के बाद लेकिन उनके सर पर छत आने से पहले ही ग्रहण कर लिया गया। ग्राम पंचायत मलहोली सरदार में आवास का लाभ पाने वाली रूबी पत्नी रसीदे मनोहर रजिया कमला रमेश सहित दर्जनों लोगों ने पूर्व के ग्राम प्रधान पसत्ता के बल पर विकास खंड मियागंज के खंड विकास अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी ने एडीओ आईएसबी जेई एमआई प्रभारी सहायक विकास अधिकारी कृषि को 3 सदस्यीय जांच टीम बनाकर 21 लाभार्थियों में से 20 को अपात्र घोषित कराते हुए जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी गई है। रहने वाली है, नाम है कमला देवी। पति नाम क्या है? रमेशन। आपकी कॉलोनी थी? हाँ कॉलोनी थी। कॉलोनी हमारे पुराने प्रधान ने डलवाई थी, उसी ने कटा दिया। आपके साथ में और कितनी कॉलोनी कटी है? 20 कॉलोनी सब कटी है। 21 में 20 कट गई है? केवल एक पास हुई और सब कट गई। घर में कोई खेती है? कुछ भी नहीं, ना खेती है ना गाड़ी है। घर को पक्का घर बना गया आपका? नहीं, यही यहाँ रहते। हाँ यही है, जहाँ रहते हैं यही घर है। अभी तुम लोग डीएम के पास गए थे शिकायत करने, डीएम ने क्या कहा? कहने लगे कि तुम कि अब देखो कॉलोनी से कोशिश करेंगे आ जाएगी। किसने कटा दिया है? तुम लोगों ने कहा प्रधान ने कटवा दिया। प्रधान नाम क्या है? प्रधान नाम है पुराने वाले कि नए वाले? पुराने वाले, नए वाले। ये हमारा रीना देवी नाम है और मलहली गांव का नाम है। आपके नाम पे कॉलोनी थी, मिलनी थी आपको। हाँ। क्या हुआ, मिली नहीं मिली? क्या हुआ उसमें? नहीं मिली। क्यों? अब पता नहीं, 3 आदमी आ रहा है, हम तो 10,000 रुपए मांग रहे हैं, अधिकारी रहे। हाँ। तो कट गया तो हम का बताए। आपके नाम पे कुछ जमीन घर में पक्का गाड़ी कुछ है घर में? कुछ नहीं है। जमीन कितनी है? जमीन 5 हुआ। आप पत्नी दोनों विकलांग हैं? हाँ दोनों विकलांग हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 लड़का एक बिटिया। बिटिया देखो शादी करे वाली, अब बता दोनों माने विकलांग हैं, कैसे शादी करे। अभी कुछ दिन पहले आप लोग डीएम के यहाँ गए थे शिकायत करने, से लोग गए थे? हाँ हाँ। तो डीएम ने क्या कहा? अरे डीएम ने कहा कि कला अभी तक कहाँ थी, कला इतने दिन हो गए तुम्हारी कॉलोनी नहीं आई। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? तो कह रहे कि कोशिश करेंगे, देखो आई तो आ जाएगी। मलहोली सरदार नगर में रहते हैं साहब। नाम क्या आपका? रसीदे। आपकी कॉलोनी थी? हाँ साहब। किसके नाम से थी और क्या हुआ? रूबी नाम से थी। कुछ दिन पहले जब पुराने प्रधान हते तो कह रहे हैं बस आवे वाली तुम्हारा 5वां नंबर है, 4 आ चुकी है तुम्हारे बिरादरी में, और जब 5वां नंबर अब आवे टाइम है तब कटा दी, उनकी प्रधानी चली गई, अब दूसरे प्रधान हुए गए हैं। तो अरे 20 लगे थी सब कटा दी, एक शायद बची हो तो बची हो ना, सब की कटा दी है जो, और जो पहले बनी है उनके 2 मंजिल घर हैं उनकी बनी है जब उनकी प्रधानी थी। कौन था प्रधान पहले? मुकेश प्रधान धोबी कन्नौजिया। तुम्हारे पास कुछ गाड़ी घोड़ा जमीन कुछ है? कुछ ना, 1 जमीन नहीं साहब, ना साइकिल खड़ी है। देखो पैसों से मांगे गए थे क्या तुमसे कुछ पैसा? अबे तो मांगा नहीं लेकिन है मांगे बेचारे, यही कटा दी नहीं, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ थे दे साहब, जैसे कुछ जरिया होता है तो कहे चलो भाई तुम हम हाँ ही भर ले 10-20 हज़ार तुमका दे दे।